डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और हिस्ट्री अफवर्धन सिद्धांत। इस सिद्धांत को देखने से पहले अपन ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। ए समुच्चय ए है वो भी आपका गणनीय समुच्चय है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या मान लीजिए एन है। दूसरा समुच्चय बी है वो भी आपका गणनीय समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एम है। तो ए साथ में ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल टू फाई है, अर्थात ये दोनों समुच्चय आपके हैं ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। कैसे? असंयुक्त समुच्चय हैं, इनमें कोई भी अवयव उपेनिष्ठ नहीं है। तब आप देखते हैं कि समुच्चय ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या ये होती है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, और ये जो संख्या आपके पास है वो कितनी हो जाएगी, एन प्लस एम। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है वो आपकी हो जाएगी एन प्लस एम। कब? जब आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल टू फाई है। तो दो समुच्चय आपके पास हैं, यूँ कहें कि दो समुच्चय हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई के बराबर है, असंयुक्त समुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या होती है। ये आपका योग नियम कहलाता है। कौन सा नियम? योग नियम, योग नियम कहलाता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि दो समुच्चय हैं, वही आपके पास है, इनके गुणन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की, वही कंडीशन आपकी है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है। तो इसमें अवयवों की संख्या ये होती है ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। ये आपका कितना जाएगा, ए में अवयवों की संख्या एन है, बी में अवयवों की संख्या एम है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या है वो एम क्रॉस एन होगी, जब ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका गुणन फल गुणन नियम कहलाता है। तो अपन योग नियम और गुणन का नियम है, ये आपका, ये तो योग नियम है या योग का नियम कह दें, ये आपका गुणन का नियम है, गुणन का नियम है। तो दो समुच्चय हैं, ऐसे एक समुच्चय हैं तो उनके में अवयवों की संख्या यूनियन में दोनों में अवयवों की संख्या को सबको जोड़ लीजिए, वह कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। गुणन करवा रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो उसमें कुल अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या ही आ जाएगी। ये आपका साधारण योग नियम और गुणन नियम था। अब अपन जिस चीज़ की बात अपन कर रहे हैं, आविष्टि अपवर्धन सिद्धांत। तो आविष्टि अपवर्धन सिद्धांत में यदि अपन देखें कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं, तो ये जो आविष्टि अपवर्धन सिद्धांत है उसके अनुसार यदि समुच्चय आपका असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त नहीं है, नहीं है, तब ए यूनियन बी में, या तब आपके पास है इनके संग में अवयवों की संख्या योग नियम
योग नियम द्वारा द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती की जा सकती है। अतः इनके संग में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिस नियम की उत्पत्ति होती है होती है उसे अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। तो अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या है कि जब समुच्चय आपके पास ऐसे समुच्चय नहीं है तो इनके यूनियन में अपन अवयवों की संख्या योग नियम से अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अतः इनके संग में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिस नियम की उत्पत्ति होती है उस नियम को अपन क्या कहते हैं, अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। अब इसी अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत दो समुच्चय हैं ए और बी, दो परिमित समुच्चय हैं और इन परिमित समुच्चय के जो कि इनका असंयुक्त समुच्चय हैं इनके यूनियन में अवयवों की संख्या है वो आपके पास ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ये ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होगी। तो इसी पर आपके फर्स्ट प्रमेय है अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत के लिए ही है ये प्रमेय कि यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है वो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या होती है। ये आपका अविष्टि अपवर्तन सिद्धांत ही है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए आपके पास है, क्योंकि अपन जैसे योग नियम कहता है कि कोई समुच्चय आपके पास है असंयुक्त समुच्चय है अर्थात तो उनमें कोई भी अवयव विनिष्ठ नहीं है तो उनके यूनियन में अवयवों की संख्या सभी समुच्चयों में अवयवों की संख्या का योग कर लीजिए वो उनके यूनियन में अवयव की संख्या होती है। तो अपन योग नियम के सहायता से अपन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए आप कि अपने पास ये आपका समुच्चय है यूनिवर्सल सेट कर दें अपन और इसके अंदर ये आपका समुच्चय ए है और ये समुच्चय आपका कितना है बी है। ये आपका समुच्चय ए है और ये समुच्चय आपका बी है और आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है ये समुच्चय आपका है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपका है ये वाला पार्ट ये पार्ट आपका है क्या है ए और समुच्चय ए
और समुच्चय बी के पूरक, बी का पूरक समुच्चय आपका है बी का पूरक समुच्चय। बी का पूरक में आपके पास कौन से अवयव हो जाएंगे जो अवयव बी में नहीं है वो आपके बी के पूरक समुच्चय में आएंगे, बी डैश में आएंगे। और इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो आपका ये वाला पार्ट है। साथ में आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट आपका है ये क्या चीज है, ए के पूरक में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या का इंटरसेक्शन है। ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या का इंटरसेक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी है, इस ए यूनियन बी को आप तीन परस्पर असंयुक्त समुच्चयों के यूनियन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, इन तीन परस्पर असंयुक्त, ये तीन परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, इनके यूनियन, इनका यूनियन वो ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी आ गया। जहाँ आप कहेंगे जहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी परस्पर परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, परस्पर असंयुक्त संयुक्त समुच्चय हैं। ये परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं तो अभी आपको बताया था योग नियम, तो अतः योग नियम से ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी। अपने को तो ये रिजल्ट आपको किस रूप में निकालना है, ए इसको जैसे नंबर एक लगा देते हैं इस इक्वेशंस को, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, इसके रूप में लेना है। अब साथ में आप देख रहे हैं कि इसी डायग्राम में आपके पास ये जो आपका समुच्चय ए था, इस समुच्चय ए में अव को भी आपको परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं उनके यूनियन के रूप में आपको लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए है वो आपका इस समुच्चय और इस समुच्चय, इन दोनों का यूनियन वो आपके पास समुच्चय ए के बराबर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों समुच्चय हैं, ये दोनों परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए को इन दोनों के परस्पर असंयुक्त समुच्चय के रूप में लिखेंगे और उसके बाद में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या योग नियम से ज्ञात करेंगे। सिमिलरली समुच्चय बी जो आपका है, समुच्चय बी है वो आपका ये जो समुच्चय आपका है और ये समुच्चय, इन दोनों समुच्चय के यूनियन के बराबर है बी समुच्चय। आप देख रहे हैं कि ये दोनों समुच्चय परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, परस्पर कसें असंयुक्त समुच्चय हैं,
तो बी में अवयवों की संख्या इनके यूनियन के इन बी में अवयवों की संख्या इस समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस इसमें अवयवों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी नंबर एक इक्वेशन थी। पुनः आप देखेंगे ये जो समुच्चय ए है वो समुच्चय ए है ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, इनके यूनियन के बराबर है। जहाँ आपका बताए पहले ही बता रखा है अपन ने, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये अपन ने पहले ही बता दिया था कि जहाँ ये आपके पास परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं तो यहाँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, ए में अवयवों की संख्या बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या प्लस ए, पर एक बार पूरा लिख देते हैं सीधा न लिख कर, जैसे यहाँ ऊपर भी ऐसा ही किया था अपन ने, सीधा ही लिखा था। तो ये परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, तो यहाँ योग नियम से आपके पास यहाँ एक लिख दीजिए, योग नियम से ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये है। और इससे आपके पास ये आ गया। तो इसमें अवयवों की संख्या योग नियम आपको लगाना है, तो ए में अवयवों की संख्या मीन्स आपके पास क्या आ जाएगी, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। नंबर एक में ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या निकालनी है, तो इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या है वो आ जाएगी ए में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, दो नंबर लगा देना। इसी प्रकार आप देखेंगे, पुनः आप देखेंगे समुच्चय बी है, वो समुच्चय बी आपका ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी है, इन दोनों परस्पर असंयुक्त समुच्चय के यूनियन के बराबर है। तो इम्प्लाइज बी में अवयवों की संख्या मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, तो योग नियम से ही आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। इससे अपन ए डैश इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या निकालेंगे, वो आ जाएगा बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। नंबर तीन, दो और तीन से तो समीकरण दो तथा तीन से ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या एवं ए डैश इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या का मान रखने पर, मान एक में रखने पर आपके पास नंबर एक है उससे आ जाएगा ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या इक्वल टू ए में अवयवों की संख्या, वो आपके आ गई ए में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, फिर है प्लस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, फिर प्लस
ये हो जाएगी बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या वो आ जाएगी ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ये आपका आविष्टि अपवर्तन सिद्धांत है। तो इस तरह से अपन इस रिजल्ट निकालेंगे। दो परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं तो इनके यूनियन में अवयवों की संख्या निकालने के लिए जिस नियम की उत्पत्ति होती है वो आविष्टि अपवर्तन सिद्धांत कहलाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।